ऑब्वियसली लेजेंड्स लीग के दो सीज़न बड़े अच्छे गए हैं और तीसरा सीज़न जो शुरू होने जा रहा है, काफ़ी एक्साइटेड हैं हम उस चीज़ के लिए। और बड़ी अच्छी आज ऑक्शन हुई है, सब ने टीमें बड़ी अच्छी बनाई हैं। मे द बेस्ट टीम विन, यही कहूँगा मैं सब टीमों के लिए। बिल्कुल, देखिए कोई भी जब भारत से आईसीसी का अध्यक्ष बनता है तो बहुत बड़ी बात है, और जय भाई के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम को आगे बढ़ावा दिया है, उसी तरीके अब पूरी आईसीसी के जितने भी अंडर आती हैं टीमें, बड़ी टीमें नहीं, छोटी टीमें जितनी हम जिनका आगाज़ हुआ है, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। देखो, इंडिया बांग्लादेश की जो सीरीज़ है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश ने अभी अभी पाकिस्तान को मैच हराया है, तो बांग्लादेश को हम कम नहीं आंक सकते। एक ऐसी टीम है कि जो बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आती है, और वैसे भी जब आप कोई ऐसी टीम के सामने खेलते हो जो थोड़ी सी शायद पेपर पे कमज़ोर दिखे, बट मैच में वो अच्छा खेल जाती है। बट इंडियन टीम बहुत सक्षम टीम है, बहुत अच्छी टीम है ये सीरीज़, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी सीरीज़ होगी। देखिए, वुमेन सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए लॉ होना चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात होगी, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि ज़रूर कानून जो है वो पास होना चाहिए कि इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है, हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए। वो भी हमारी ही बेटी थी जिसके साथ ये हशर हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको इकट्ठे मिलके इसके ऊपर जो है वो एक कानून बनाना चाहिए जो कि बहुत सख्त कानून हो, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे।